बीजेपी के एक और विधायक ने किया इस्तीफे का ऐलान। बीजेपी में चुनावी ऐलान के बाद विकेट गिरना हुए शुरू। कद्दावर चेहरे ही छोड़ रहे बीजेपी का साथ, हो रहे साइकिल पर सवार। शाहजहांपुर की इस विधानसभा से बीजेपी का गिरेगा अगला विकेट। क्या बीजेपी बनती जा रही है डूबता हुआ जहाज? क्यों चुनाव से पहले ही रेस से बाहर दिख रही है बीजेपी? आज का सूरज बीजेपी के लिए और योगी सरकार के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा कद्दावर माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और धुर विरोधी सपा में शामिल हो गए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के पहले से ही संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब वो औपचारिक तौर पर सपा के साथ हैं। ऐसे में अब एक और बीजेपी विधायक ने खुलेआम इस्तीफे का ऐलान कर बीजेपी को छोड़ने की बात कह दी। शाहजहांपुर जिले की तिलहर विधानसभा सीट से इन विधायक का ताल्लुक है और स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर ये राजभवन पहुंचे थे, जहां पहुंचते ही उन्होंने स्वामी प्रसाद का इस्तीफा हवा में लहराया और कहा कि अब मैं भी इस्तीफा देने वाला हूं। नहीं, हमारा इस्तीफा नहीं हुआ। ये किसका लेकर आया लेटर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। आप भी देंगे इस्तीफा? अभी देंगे इस्तीफा। कागज देना है? आप किसका है? आप इस्तीफा देंगे? और भी विधायक साथ में जा रहे हैं आप लोगों के साथ? अभी इसका पता नहीं, 4-6 दिन में पता लगे क्या। कई मंत्रियों के भी जाने की सोच रहे हैं। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर शेयर करते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया। बीजेपी में अब खलबली का माहौल दिखाई दे रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़बड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी पर किसान और दलितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि तमाम विपरीत हालातों के बाद भी मैंने काम किया, लेकिन अब और नहीं। स्वामी प्रसाद के बीजेपी छोड़ने के बाद अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी का क्या होगा, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में स्वामी प्रसाद ने एक बड़े एक्स फैक्टर का किरदार अदा किया था और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बीजेपी में काफी बढ़ गया था। लेकिन अब स्वामी प्रसाद के सपा में आने से बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी की स्थिति सियासी चुनाव में क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। स्वामी प्रसाद के सपा में आने के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद के सपा में आने से सपा तो मजबूत हुई है, लेकिन बीजेपी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी को छोड़ने के बाद सवाल इस बात का है कि इतने बड़े कद्दावर नेता को बीजेपी ने आखिर जाने कैसे दिया। क्या बीजेपी की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई या कोशिश की गई जो स्वामी प्रसाद मौर्य को पसंद नहीं आई? सवाल तमाम उठ रहे हैं, जवाब सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बीजेपी दे सकती है, और जवाब कब मिलेगा वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।